हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। आज मैं एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, काफ़ी सिंपल है और उससे और ज़्यादा सिंपल करने वाला हूँ। एक बोट का पेंटिंग, जैसे कि आप देख पा रहे रेफरेंस है, और इसे मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आज सिंपल करूँगा। मतलब सिंपल कैसे कि कुछ कलर्स भी मैंने पहले से ही डिसाइड कर लूँगा कि दो चार कलर से करूँगा, और उससे क्या होगा कुछ एक्स्ट्रा या बहुत सारे कलर्स उसमें ऐड नहीं होगा। तो ठीक है, तो हमें कलर कैसे डिसाइड करना, जैसे कि कुछ मैंने यहाँ पे कलर लेके रखा, कुछ कोबल्ट ब्लू लिया, कुछ फ्रेंच अल्टरमेरिन लिया, पेंस ग्रे, और यहाँ पे एक परमानेंट ऑरेंज है, एक बंट अम्बर है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कलर जो कि मैं लेते समय भूल गया, जो कि विरिडियन, क्योंकि वहाँ पे टारकोइश है, तो टारकोइश के लिए हमें थोड़ा विरिडियन जो ग्रीन है वो भी थोड़ा लगेगा, तो वो ले लेता हूँ। और क्या होता है कि पैलेट में ना, हम जो भी हमारा पैलेट होते हैं, उस पैलेट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, और हमें एक आदत होता है इधर उधर कलर को टच करने की। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ब्लू शेड्स में कुछ कलर्स है, मतलब कुल कलर कुछ है, और कुछ वार्म कलर है, जैसे कि बंट अम्बर है और परमानेंट ऑरेंज है। बंट अम्बर रहेगा आपके, चलो बात करते करते मैं डाल ही लेता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं बता दूँ, ये एक ट्रे है ब्रस्टो का, एक ट्रे है, काफ़ी प्यारा सा ट्रे है, और ऐसे में क्या है कि लिमिटेड कलर यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और ये स्लिप भी नहीं करेगा, काफ़ी अच्छा इसमें वो रबर का ये बना हुआ नीचे, जिसके कारण आपको ये हिलेगा नहीं ज़्यादा, बट हल्का है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या है कुछ कलर्स जो है डाल लेता हूँ, यहाँ पे बंट अम्बर डाल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है एक परमानेंट ऑरेंज है, तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि लिमिटेड जो भी कलर्स मैंने करूँगा उसी से काम करूँगा। ठीक है, तो कोबल्ट ब्लू, थोड़ा सा जो कूल वाला कलर है थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ, और फ्रेंच अल्टरमेरिन है, मैं बता दूंगा कौन कौन सा ब्रांड का कलर है, पेंस ग्रे, एंड विरिडियन। विरिडियन जो है और बंट अम्बर है, वो दोनों कलर जो है मिजोलो का है, बाकी डैनियल स्मिथ का है। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट, और मैंने हल्का सा ड्राइंग किया ही है इसे, तो इसे थोड़ा ट्राई करते। इस तरह से क्या होता है कि जब हमारे छोटे पैलेट होता है उसके अंदर वो ब्रशेस जो मिक्सिंग और ये सब दिक्कत होते हैं, तो फ्लैट जो बड़े काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये वाला ट्रे, तो मैं बहुत ही मतलब अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, तो जब अभी नया है ट्रे तो मैं इसे ज़रूर एक बार टिश्यू से इसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करूँगा। तो वेलकम शर्मिष्ठा मैम एंड क्रिएटिव किंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो भी देख रहे हो आप जो भी मुझसे बातचीत कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, और सबसे पहले आपके आज के पावन अवसर पर आपको सबको शुभकामनाएं हैं, और गणपति बाबा को याद करके हम थोड़ा सा एक डेमो कर लेते हैं आज, है ना। तो सुमन जी, पेपर कौन सा है? पेपर जो है आर्चिस का है, आर्चिस का 185 GSM है। ओके, ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ये जो है ट्रे को एक बार उसके अंदर कुछ भी केमिकल्स होगा, कुछ हो सकता है क्योंकि नया है, तो हो सकता है उसके अंदर, तो थोड़ा सा मैं टिश्यू से उसको एक बार साफ कर लिया। तो राइट साइड में एक स्पॉन्ज है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, तो उसे भी देखना है कब कब टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फ्रॉम मर्तिश
अर्थियोज मरिथियोज ओके थैंक यू निकोलसन ओके आपके भी गणेश चतुर्थी हाँ हाँ थैंक यू शर्मिष्ठा मैम ओके चलो यहाँ पे थोड़ा अभी इसे देख लेते हैं जैसे कि मुझे आदत है बड़े ब्रश में काम करने की और क्या होता है उसमें अच्छा सा वाटर कैरी करेगा सॉफ्ट होगा ठीक है ये सब चीज़ें होने के लिए अच्छा रहेगा। ओके तो यहाँ पे जो है मैं एक जो सूरज का रोशनी हल्का सा प्रभाव कर रहा है और ये परमानेंट ऑरेंज है और इससे क्या होगा कि एक कलर हार्मोनिक भी एक क्रिएट करने के लिए एक बांध के रखने के लिए हमें काम को थोड़ा सा एक जैसा असर देते हैं हम। तो कलर मैंने पहले सिलेक्ट किया जो भी एकदम मिनिमम कलर है फिर से मैं जो अभी ज्वाइन किया उनको बताता हूँ बंटम्बर है यहाँ पे परमानेंट ऑरेंज है कोबाल्ट ब्लू है फ्रेंच अल्टरमेरिन है पेन्स ग्रे एंड विरिडियन ठीक है। कोबाल्ट ब्लू ओके मैंने विरिडियन इसलिए रखा था कि थोड़ा सा टर्कोइश का वो असर करने के लिए टर्कोइश दिखने के लिए टर्कोइश का असर करेगा। तो पेपर गीला करके और इस तरह से जब आपके पास बड़े से स्पेस होते हैं तो आप मज़े से कलर को घोल सकते हैं ठीक है। हाँ वाटर कलर है ना वाटर कलर ही है एक मिनट मैं आपके सवाल भी थोड़ा देखता हूँ बीच बीच में। ओके नील जी आपके साथ वीडियो देखता हूँ थैंक यू जी ओके गणेश चतुर्थी सब शुभकामनाएं ओके शुभकामनाएं ओके थैंक यू सो मच आपको भी सुमन जी वाटर कलर है बिल्कुल वाटर कलर है हाँ स्ट्रे में वाटर कलर कर सकते ऑयल कर सकते एक्रेलिक कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा थोड़ा कोबाल्ट ब्लू के साथ सॉरी तो कुछ इस तरह से हमने फास्ट वॉश अप्लाई किया ठीक है। ओके स्पॉन्ज भी देखते रहना है कब हम स्पॉन्ज को टच कर रहे हो भी देखना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी कुछ हाइलाइट्स है इसके अंदर तो उसे हम क्या कर सकते टिश्यू के जरिए लिफ्ट कर सकते हैं। 185 GSM होने के कारण क्या हो रहा है इसमें भी बकल हो रहा है बट क्या ये ब्लॉक है तो क्या है कि ब्लॉक होने के कारण ये चारों तरफ से ऑलरेडी लॉक है तो मुझे अलग से टेप से लॉक नहीं करना पड़ा। अच्छा अर्पित जी सर आप कहाँ से हो मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा से हूँ। ओके नोनी गोपाल ओके थैंक यू। तो यहाँ पे देखो कुछ हाइलाइट्स जो कि दिख रहा है वो कैसे करना है अभी क्या है ये कलर वॉश देने के बाद घूमने नहीं जाना है यहाँ पे साथ साथ निकलना है नहीं तो वो निकलेगा नहीं है। तो थोड़ा सा जो हाइलाइट्स है मैं निकल रहा हूँ ठीक है ये अगर हम देर करेंगे तो निकलेगा नहीं और यही हाइलाइट इस एरिया में नहीं निकलेगा ऐसा क्यों कि वो जो व्हाइट है ना उसका भी व्हाइटनेस दूर जाते हुए ख़त्म हो जाएगा ठीक है। तो इसलिए जो ये जो व्हाइट का असर आप यहीं पे निकाल सकते हैं इसी एरिया में जिस एरिया में मैं अभी निकल रहा हूँ। तो निकलते हुए क्या होता है कि बार बार उधर आ जाता है तो तब तक आपको देखते भी रहना है
नहीं तो क्या होगा, आप निकला फिर बाद में उधर आ गया, देखा नहीं, फिर वो कोई काम नहीं आया। निकलने के बाद वो देखना भी है कि वो जो मैंने वाइट जो लाइट के लिए मैं जिसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ निकला क्या है ना। तो इससे बहुत सिंपल है, यहाँ पे गीला है, इस गीले में मैं कुछ कलर ऐड ऑन करूँगा, कुछ वाटर के अंदर, वाटर के जो वेव्स होते हैं पेंस ग्रे और अल्टामरीन के साथ, मैं पेंस ग्रे और फ्रेंच अल्टामरीन के साथ थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा सा गीले गीले पे तो मैं ये थोड़ा सा ये लगा देता हूँ। इससे क्या होगा, जो जो स्मूथली जो वेव्स है ना पानी में, वो स्मूथली वेव्स जो है आपको दिखेगा। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शान जी, ओके। कैनवास पेंटिंग कीजिए एक्रेलिक कलर से प्लीज़, सुमन जी, ओके ठीक है, कर सकते कर सकते, एक दिन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा हम क्या कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये जो है इसे समझना होगा, ये अगर बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो स्प्रेड कर जाएगा, आप जो भी अभी लाइनिंग दिया है वो ऐसे जो वेव्स है वो नहीं बनने देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैं आपके साथ थोड़ी देर बातचीत कर रहा था तो तब तक ये क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे रुकने रुका, थोड़ा सा स्टेबल हुआ, तो मैं थोड़ा यहाँ पे लगा रहा हूँ कलर। ठीक है, वाटर कलर मीडियम क्यों, हर कोई मीडियम में कौन सा चीज़ें कब यूज़ करना वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वही आपको सीखना होता है। ठीक है, तो फास्ट वॉश में कलर हार्मोनी क्रिएट करने के लिए, एक रिदम में रखने के लिए हमने जो भी कलर्स को यूज़ किया ऊपर से नीचे तक, उसको मिक्स करने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे क्या करना है कि आप अगर इंडोर में हैं तो आप बिल्कुल इसको किसी के हालत में सूखने दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरली जो उसके कलर्स के बहाव है सॉफ्ट होने के लिए वाटर के साथ, जितना नेचुरली वो खुद जाके घुल मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं हम हेयर ड्रायर लगा के उसको रोक देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हेयर ड्रायर नहीं लगाना है अगर आप इंडोर में काम कर रहे हो। अभी क्या है कि आप मेरे लिए बैठे रहेंगे इसलिए मैं हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा तो ध्यान रखेंगे जब इंडोर में आप काम कर रहे हो, आप घर में हो तो टाइम है आपके पास, या छोड़ दीजिए इसे, नेचुरली इसे ड्राई होने दीजिए। ठीक है, तो ये हमने सीखा था मिलिन मल्लिक सर के एक वर्कशॉप के अंदर, कि उन्होंने भी ऐसे ही किया था, तो हमने देखा कि सर ने भी यही बात बोला कि नेचुरली इसे ड्राई होने दो। कोई भी कंपोजिशन करने के लिए, कोई भी कंपोजिशन आप करते हो तो उसको क्या करो कि एक बार थंबनेल बना लो। उससे क्या होगा, बहुत कुछ चीज़ें आप नहीं बना सकते छोटे से पेपर के अंदर, जब बहुत चीज़ें आप नहीं बना पाएंगे, जब छोटा हो जाएगा कंप्रेस हो जाएगा उसके अंदर, तो क्या होगा फिर आप जो मोटे मोटे पार्ट है, जैसे हम दोनों आंखों के पलकों को बुझाते ना इसी रेफरेंस में, तो क्या होता है मोटा मोटा पार्ट दिखेगा, उस मोटा मोटा पार्ट को ही बनाना होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, छोटे ब्रश यूज़ नहीं करना, मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन करना है या सिंप्लीफाई करके आपको कंपोज करना है, तो वो एक तरीका है कि आप मोटा ब्रश यूज़ करो। बहुत पतले ब्रश यूज़ करेंगे, एक एक खिड़की दिखेगा आपको, एक एक बहुत कुछ डिटेल दिखेगा, आप करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे बोल्ड अप्रोच देना है, आंखों के पलकों को बुझाना है आधा आधा, जो मोटा मोटा पार्ट दिख रहा है वैसे काम करना है। 16 10, हाउ आर यू, फाइन फाइन थैंक यू सौरभ, आप कैसे हैं, ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ड्राई कर लेता हूँ, ये आवाज़ आपको डिस्टर्ब हो सकता है तो मैं थोड़ा म्यूट करके,
ओके तो पहले मैंने 6 कलर लेके काम शुरू किया है और जो जो कुछ आपको प्रोडक्ट कभी कभी मैं शेयर करते रहता हूँ तो वो क्या है कि आपको आर्टिकेट में मिल जाएगा इजीली, और आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं। कूपन कोड है जो अचिंत्य ACHINTY है, उसको कैपिटल में लिखना, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पे एक सॉफ्ट एक्वा जो कि रफेल का है ब्रश, काफ़ी अच्छा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मॉप ब्रश है, तो पेंस ग्रे, अल्टामेरिन और ये बन टम्बर हल्का सा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है वैल्यूज़ में काम करना। वैल्यूज़ क्या वैल्यूज़ है, उतना दूर में क्या, कितना डार्क है, और आप देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग होने वाला ही है और मैं कैसे काम करूँगा, और वो जस्ट एक आपको एक महसूस देखेगा, ठीक है। तो कभी ये अल्टामेरिन की तरफ ज़्यादा जाएगा, कभी बनटम्बर की तरफ जाएगा। तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मोटे मोटे जो कलर स्पेस है उसे मैंने नोटिस किया और मैं कुछ इस तरह से कलर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि कलर्स आपके अलग अलग दिखते बहुत, तो वो उसे थोड़ा सा आपको देखना है, एकदम से अलग अलग ना दिखे और थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। और आप देख पा रहे किस तरह से मैं एकदम सिंपल करके मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, तो बनटम्बर के साथ अल्टामेरिन कोबाल्ट ब्लू, तो यहाँ पे अल्टामेरिन के साथ ओके तो बहुत सिंपल करके ड्राई, लाइक ड्राई ब्रशिंग जैसा है वैसे करके दिया, जैसे बहुत कुछ लग रहा है। अभिषेक शमलो के, हेलो मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओके इंदौर में तो हमारे पास टाइम होते हैं कि हम वेट कर सकते हैं, पर आउटडोर में करते हैं, आउटडोर में वैसे ही सूख जाएगा, आप खुद भी सूख जाएंगे, इतना वहाँ पे ड्राई होते हैं। तो वैसे बरसात में नहीं, बाकी समय में तो सूख जाता है। ओके विश्वजीत दत्त, अमेजिंग सर, यू आर माई इंस्पिरेशन, थैंक यू। ओके तो अल्टामेरिन बनटम्बर अभी क्या किया, वो जो पहले जो मैंने क्या किया, थोड़ा सा हल्का हल्का कलर किया, अभी क्या किया, थोड़ा कुछ कंट्रास्ट वहाँ पे उसके अंदर डालना है, बट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स भी डाल सकते हैं कुछ, जैसे इस तरह से लाइट है कि, तो इस तरह से हम एक इधर शेडो डाल दिया, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो देखो उसके अंदर क्या डेप्थ क्रिएट हो रहा है कि बहुत कुछ होने का असर कर रहा है, और बिल्कुल आप नोटिस करें मैं कैसे स्ट्रोक्स को यूज़ कर रहा हूँ। हाँ तो मैं यहाँ पे एक बात आज मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट्स का ये था सवाल था कि क्या हो रहा था कि वो सिम लूज़ इफेक्ट के ऊपर, क्या उनके क्या ये था कि लूज़ इफेक्ट को हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे लूज़ इफेक्ट जिस तरह से मैं ड्रामा कर रहा हूँ ये कैसे सीखेंगे, और किसी किसी आर्टिस्ट का ये कहना है कि ये सिखा सकते हैं। तो मैं आपके ये सवाल को क्लियर कर दूं कि जो लूजनेस है, ये जो स्टाइल है, आपको सिखाया नहीं जा सकता, आप इसको वॉच करना है, इस स्टाइल्स को आपको पकड़ना है, आपको सीखना है कैसे, कि जो जो कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, फिर वो उसको आपको पता करना है, पता करके आप अप्लाई करना है इसको हुबहू, ऐसे कोई तरीका नहीं है कि इस चीज़ को आपको
कोई सिखा दे, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट आपको मतलब जिससे भी आप चाहते हो कि सीखना, तो वो उसका एक अचीवमेंट है, एक समय है, वो आप उसको इस तरह से नहीं सीख सकते। इसे सीखने के लिए क्या है कि होता है क्या, जैसे आपने एक बिगनर्स लेवल पे आप काम शुरू किया और आप चाह रहे हो सीखना, आपको किसी ने बता भी दिया कि मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना लूज इफेक्ट, कैसे करना इम्प्रेशन, कैसे क्रिएट करना, नहीं होगा। आपको जब रियलिस्टिक जो उसकी जो किसी भी सब्जेक्ट की ड्राइंग अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं है, अगर आप ड्राइंग ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब ड्रामा नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट स्टेज की बात है। एक समय के बाद आप ये सब करेंगे, बट उससे पहले आपको बोर्ड का लाइन ऐसे जा रहा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है बच्चों को, कि ये लाइंस नहीं मालूम चल रहा है, कि ये लाइंस होता क्या है, इस बोर्ड की ड्राइंग क्या होता है, वो नहीं मालूम चल रहा है, और उनको सीखना होता है लूज इफेक्ट। तो पहले कुछ बन लूज क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, इम्प्रेशन क्या होता है, उसमें बना के कुछ उसको कुछ ऐसा अधूरा बनाते हैं और दिखता है पूरा, है ना। लूज क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा बनाए, कुछ फेक किया, कुछ ड्रामा कर दिया, कुछ को तोड़ दिया, किसी किसी चीज़ को बनाया खराब किया, और उसी के अंदर से वो जो पूरा जो बोर्ड का सिलसिला वो दिख रहा है। तो इसके कहने के मतलब है कि उसको आप जब तक उसकी ड्राइंग को नहीं समझ में आएगा आपको, कि एक प्रॉपर बोर्ड, एक पानी में तैरने के लिए उसके रिफ्लेक्शन लाइन कहाँ से आएगा, उसकी बोर्ड की बनावटी कितना पानी में है, कैसे है, डेप्थ में वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ को नहीं सीखेंगे तो आप लूज करने जाएंगे। जो आपको आता है ना, वो भी आप उस लूज के पीछे ख़त्म हो जाएगा। तो आप अभी एकदम परेशान हो जाएंगे, क्यों नहीं आ रहा है मुझे, क्या परेशानी आ रहा है मुझे, है ना। तो अब मैं तो लूज सीख रहा हूँ, बट लूज सीखने से पहले आपको वो सारी चीज़ सीखना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उसके पीछे ना भागे कि लूज इम्प्रेशन ये सब वो, आप इस तरह से नहीं सीखेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप ही सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग, कलर, सिंगल सब्जेक्ट। आप अगर बिगनर्स है तो आप एक बोर्ड को कलर करके देखो, मतलब मैंने ये पूरा बना रहा हूँ, आप पूरा मत बनाओ, एक बोर्ड बनाओ, इसके एरिया को लो, इतना ही काम करके देखो, ठीक है। तो मैं आपके कुछ शायद कुछ आप बात पूछ रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। दुपट्टा पेपर बहुत जल्द सूख जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं, आपको क्या कि उस वेदर के साथ आपको वाकिफ, धीरे धीरे आप जैसे पहले दिन पे तो समझ में नहीं आएगा, जब बार बार जाएंगे आपको मालूम चलेगा कितना क्या स्पीड रखना पड़ेगा, कौन सा ब्रश से आपके अच्छी तरह गीला रहेगा, कितने देर गीला रहेगा, क्या पेपर यूज़ कर रहा हो, ये धीरे धीरे आप कैलकुलेट करेंगे। अभी कैसे है कि आप ड्राइव सीख रहे हो ना, तो जैसे मान लो कि आप मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया अभी या सीख रहे हो, तो आपको उबड़ खबड़ में कैसे करेंगे चलाएंगे, तो कैसे चलाएंगे आप, डे वन पे आप नहीं चला सकते, डे वन पे थोड़ा गिरेंगे, खराब होगा, धीरे धीरे चलते चलते आपको एडजस्ट हो जाएगा कि खड्डा इतना नीचे था तो कितना स्लो करना है। तो ये सब चीज़ भी यहीं पे ड्राइविंग ही है पूरा, जो वाटर कलर है कि ड्राइविंग है, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है, करते करते आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। सर दिन कौन सा, पेपर पर कौन सा कलर, कौन सा कैनवास, कैसे क्या यूज़ करते हैं एक दिन, ये सब समझाए। ओके ओके, ठीक है, गुड। अच्छा मनोज जी, प्लीज़ डिस्कस ए लिटिल अबाउट ब्रशेस फॉर बिगनर्स। इससे पहले भी कुछ वीडियोस हैं, तो चलो मैं एक दिन लेके आऊँगा, और मैं आप एक काम करो, जो भी देख रहे हो आपके कुछ इन्फ्रो टाइप का, इन्फॉर्मेशन टाइप का वीडियो चाहिए, कुछ ब्रशेस के रिव्यू वगैरह जो भी है, मेरा एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके ना आप वहाँ पे देखिए कि इन्फो करके ही लिखा है जहाँ तक मेरे प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट पूरा ओपन कर लीजिए, तो वहाँ पे इन्फो करके आपको एक मिलेगा, तो जिसके अंदर जो भी मैं प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ, ब्रशेस के बारे में बताया हो, बेसिक आर्ट मटेरियल्स फॉर बिगनर्स, ऐसे कुछ भी मैंने वहाँ पे शेयर ऑलरेडी कर चुका, ठीक है। ओके हाँ सुमन जी, आपके जो भी सवाल है, जो भी आपने सारे सवाल किया, मैं आपको कहना चाहूँगा, ये मेरे नंबर है, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप में डाल के रखिए, ताकि मैं इसे अच्छी तरह इसका एक पैकेज बना के एक दिन मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप है, जो भी इस तरह से आपके काफ़ी अच्छा पॉइंट्स है, तो मैं उसको ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, एक दिन वीडियो में ज़रूर आऊँगा,
तो इसे आप व्हाट्सअप जो है कर दीजिए। क्या सुमन बंसी का 21 साल की फिर भी नहीं अच्छे से कर पाते हूँ। अच्छा, और आज बीज ओके। हाँ ठीक है, तो सुमन जी आपके जो भी बातें हैं आप मुझे यहाँ से कॉपी कीजिए, मुझे व्हाट्सअप करके रखिए। हाँ, ये सब आपके जो सवाल है मुझे समझ में आ रहा है कुछ कुछ, बट मैं यहाँ ज़्यादा पढ़ने जाऊँगा तो मैं ज़्यादा समय लगेगा। थैंक यू सर फॉर योर आंसर। ओके ओके। फर्स्ट लेयर के बाद पैचेस आता है, वो क्या होता है कि एक समय तक क्या होता है उस पेपर के सोखने की क्षमता होता है, उसके बाद वो क्या होता है वो पेट भर जाता है। वो जैसे उसका पेट भर जाता है फिर क्या करेगा, वो किसका पेट भर जाता है फिर वो उस वाटर को ऑब्जर्व नहीं करेगा, फिर वो छोड़ देता है। तो उस समय पैचेस आता है, पैचेस आना भी चाहिए। उस पैचेस को हम काम में लगाते हैं, कहीं पे ड्रामा करने के लिए, कोई इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए। और पैचेस आने से पहले आपको समझना होगा कब आ रहा है, तो उस समय आप उसको संभाल सकते हैं। दुर्गा जी थैंक यू फॉर लाइव सुन, थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको आज के शुभ अवसर पर आपको थोड़ा समय शेयर करूँ। मेरा ब्रश रुक गया आपके बहुत सारे बातों के बीच में। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे मैं कब कब मैं लाइव आता हूँ ये सब चीज़ें आपको आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ज़रूर देखिए। और जब भी आप कभी मेरे वीडियो पे आते हैं और देखते हैं तो आप लाइक और एक कमेंट जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि आप यहाँ पे वॉच कर रहे हो और आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। आपको जो भी सवाल होता है वहीं पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे मैं पढ़ता हूँ फिर मैं समझता हूँ कि आपकी ज़रूरत क्या है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से, देखो वही सॉफ्ट एक्वा जो ब्रश है। अभी क्या होता है, ये जो है कैलीग्राफी ब्रश है, प्रफुल्ल साबुन सर का सिग्नेचर ब्रश है। जिनको ये पसंद आ रहा है तो ये ले सकते हैं, मैक्सिमम काम मेरे इसमें है। और जो ये ब्रश है ये भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट एक्वा। और जो प्रोडक्ट अच्छा है वो मैं यूज़ करता हूँ, वही मैं आपको शेयर करता हूँ। तो जो प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता वो उसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, आपको नहीं बताऊँगा ऐसा। तो इस तरह से, तो यहाँ पे देखो आप कि ये ब्रश का क्या जादू है, मतलब कितने पतले लाइंस भी हो रहा है, फ्लैट भी हो रहा है, हर एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, मतलब रिगर ब्रश का भी काम कर देता है। प्रोमोट तो हो जाता है, जो अच्छा प्रोडक्ट होता है वो ऑटोमेटिक प्रोमोट हो जाता है, बट क्या होता है कि आपको भी जानना ज़रूरी है कौन सा चीज़ें किस तरह से काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरा सिटी बना दिया आपके साथ बात करते करते, है ना, महसूस हो रहा है। मैं जूम करूँगा ना तो आप हंसेंगे, क्या किया ये। तो मैं थोड़ा आपको नज़दीक लेके दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे, देखिए पर देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, बट ऐसे जैसे जैसे ये इस तरह से है तो पूरा एकदम वहाँ पे जो है पोर्ट बना चुका हमने, है ना। तो इस तरह से वो क्या किया, वो वैल्यूज़ के ऊपर पूरा ये जो गेम है, वैल्यू वाला गेम है, कि वो कलर्स वैल्यू जो लाइट टू डार्क की तरफ जो हम करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हम बोट और बना दिया, और यहाँ पे पानी के झिकमिक होने के कारण तो यहाँ पे क्या है कि वो रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन इसके आसपास एरिया में दिख रहा है। वो कैसा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा कलर लगा के फिंगर से उसे ऐसे मर्ज कर रहा हूँ। और आपको और ज़्यादा बिस्तर में सीखना है, और क्या है कि आपके पेंटिंग को रिव्यू चाहिए, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो आपके रिव्यू चाहिए। आप जहाँ पर भी सीखते हो, आसपास लोकल, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ पर भी सीखते हो, आपके जो भी आप काम करते हो आपके टीचर के जरिए उसका रिव्यू होना चाहिए, तो जिससे क्या होगा आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये है, और बाकी मेरे ऑनलाइन क्लासेस हैं। आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी 1 मंथ का एक आधा क्लास करके आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से सिखाता हूँ और आपको आप क्या सीख सकते हैं वहाँ से। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पैचुला जैसे मार्केट में है, मैं अभी आपको, मेरे पास भी पैचुला बहुत सारे है, तो मैं आपको बेस्ट पैचुला बताऊँ, बट ये बच्चों के लिए नहीं है, जो बड़े हैं उनके लिए, ठीक है। तो पैचुला ये कटर नहीं है, ये कटर जो भी 15 रुपये वाला, बड़ा मैं चौड़ा वाला नहीं, महंगा वाला नहीं, सस्ता वाला चाहिए 15 रुपये वाला,
तो इससे क्या होगा, आपको इस तरह से कुछ कुछ अभी क्या पे हर एक जो पोल है जो अंधेरे में, वो हमको क्या चाहिए, लाइट कलर में चाहिए। ठीक है, वो देखो लाइट कलर में बनना है, तो उस वो बहुत अच्छा बनता है, बहुत प्यारा बनता है। इससे ढेर सारे वो जो पोल है, बैम्बू बोलूँ पोल बोलूँ, यहाँ से स्क्रैच करके हम बना सकते हैं। जो सिंपल कटर, सिंपल कटर अच्छा काम आ रहा है, तो उसी को लेना है। ओके, तो इस तरह से पैलेट से मैं जैसे शुरू में बोल रहा था, जो अभी कोई ज्वाइन किया तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये ब्रशों का एक ट्रे है, जिनके पास बड़े ट्रे नहीं हैं और ट्रे अच्छा ढूंढ रहे हो तो बड़े वो पैलेट की ज़रूरत नहीं, एक ट्रे ले लो, बड़े सस्ता वाला ही है ये ट्रे। ये ट्रे लेके आपके काम हो जाएगा। और जो बड़े पेपर यूज़ करते हो तो उनके लिए तो बिल्कुल ही चाहिए, काफ़ी अच्छा है। और हाँ, आप अगर आर्टिकेट से परचेस करते हो तो मेरा कूपन कोड आप ज़रूर यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा उसके ऊपर मार्जिन मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ड्रामा ऐसे देखने को मिल रहा है, और कुछ कुछ जैसे एक जैसा नहीं, कुछ कुछ सामने भी होगा, तो वो क्या होगा, कंपोजिशन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालेगा। तो मैं ये टिश्यू क्यों लगा रहा हूँ, जिससे कि वो हल्का हो जाए लाइन, वो क्योंकि वो दूर है, बहुत डार्क, ऐसे शार्प डार्क नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलो अभी इसे, ये भी वाला भी पार्ट आप आराम से कर सकते हैं। और अभी दिखाता हूँ जो प्रोफेसर के जो ब्रश है, प्रोफेसर के ब्रश आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अदरवाइज आप उनके वेबसाइट में जाके www.propulsabun.com में जाके भी आप परचेस कर सकते हैं ये वाला। ओके, तो यहाँ पे बहुत प्यारा एक कलर दिख रहा है, जो कि अल्टामरीन और मैं कोबाल्ट ब्लू के साथ, थोड़ा वाटर, तो बोट के ऊपर कुछ जैसे स्टेप वगैरह है, तो उसके लिए कुछ मैं इस तरह से, अल्टामरीन, और जब भी कभी कैसा कुछ भी एरिया में आपको डार्क करना है ना, वो उसका हल्का कलर यूज़ कीजिए, उसके बाद डार्क कीजिए। तो यहाँ पे जैसे वो डार्क है, ये सिस्टम है, मतलब एक बार में आप डार्क नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप डार्क करना है। हंड्रेड परसेंट ड्राइंग करना है, कोई आर्टिस्ट को आपने देखा इंस्पायर हुआ कि वो फट से ड्राइंग कर रहे है ना, एकदम हवा में ड्राइंग कर लिया, आपने हवा में उल्टा पुल्टा ड्राइंग कर लिया और कलर करने लग गए, तो उससे क्या होगा, कलर भी होगा नहीं ठीक से, क्योंकि वो आर्टिस्ट को मालूम है कि कौन सा पार्ट कैसा है, वो ड्राइंग कर लेंगे, वो थोड़ा सा टचअप करके शुरू कर देंगे, बट आप नहीं कर पाएंगे इस स्टेज में। विरिडियन, अल्टामरीन, तो आपको क्या देखना है कि आपको 100% ड्राइंग करना है, क्योंकि 100% ड्राइंग करने के बाद आप वैसे ही 50% खुद ही उसको
आप मतलब ये कर लेंगे, खराब कर लेंगे। ओके okay. तो अभी क्या है कि जैसे कुछ डार्क इसमें है, नीचे वाला है तो अभी मैं पेन्स ग्रे और फ्रेंच अल्टरमेरिन को लगा के डार्क कर लूँगा। तो वो डार्क क्या है, हमेशा गीले गीले में, अभी क्या गीले में मैं कलर छोड़ रहा हूँ, देखिए तो अच्छा रहता है ये आदत भी रखना है कि कलर गीले गीले में छोड़ने की। अब की बार मज़ा आएगा क्योंकि जब रिफ्लेक्शन हम बनाएंगे तब इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। टिश्यू रखना है, अगर कुछ लगता है कि कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, क्या है कि उसे आप संभाल सकते हैं। ऑरेंज के साथ थोड़ा सा मैं कोबाल्ट ब्लू और थोड़ा पेन्स ग्रे, जो भी मेरे पास कलर है ना, इन्हीं कलर के साथ मुझे बनाना है। तो यहाँ पे कुछ मैं पेन्स ग्रे लिया, थोड़ा सा जो परमानेंट ऑरेंज है वो लिया, कोबाल्ट ब्लू ज़्यादा है, अच्छा थोड़ा बंटम्बर के साथ अल्टामरीन कोबाल्ट ब्लू, तो काफ़ी लाइट है इसलिए यही ठीक है। तो इसलिए व्हाइट होता ही है पैलेट कि आपको कलर चेक करने के लिए। तो आज के इसमें तो रेड नहीं है मेरे पैलेट में, तो इसी को थोड़ा सा ऑरेंज ही करूँगा। ओके अभी यहाँ पे जो दोनों डार्क कलर किया था तो उसे भी थोड़ा सा, उसका जो व्हाइट है नहीं है तो उसको अभी बुझा दूँगा। उस समय क्यों नहीं बुझाया, तो वो कलर पूरा उसके ऊपर आ जाएगा। अभी क्या हुआ, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ता है। थोड़ा सा पेन्स ग्रे लिया, अल्टामरीन और पेन्स ग्रे, वेरिडियन,
ओके अभी जो रिफ्लेक्शन में आप नोटिस करेंगे विरिडियन है, थोड़ा सा ऑरेंज, परमानेंट ऑरेंज, जिससे कि वो थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ मैं स्पंज में टच करके। ओके ये वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह करना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि कितने सारे वाटर के साथ ये नीचे आ रहा है, और मेरा जो पेपर है वो तकरीबन 45 डिग्री पे है। ओके अच्छा, ब्रश को साफ कर लिया, कोबाल्ट ब्लू अगर और भी सारे कलर होता तो यहाँ पे मैं लेवेंडर को एक्टिव करता, तो आज मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं कलर नहीं यूज़ करूँगा, जो भी कलर मैं यहाँ पे डाला इसी को यूज़ करूँगा। इसके बीच में कुछ कुछ पेंस ग्रे को लिया, ये जो मैं कर रहा हूँ आप करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, और हमको क्या सीखना है, यही तो चीज़ सीखना है कि कैसे करेंगे कि एक्सीडेंट ना हो। हैंडलिंग जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, बट एक्सीडेंट हो रहा है, बट उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। कैसे कंट्रोल, वाटर कलर सीखना है तो एक्सीडेंट को कैसे कंट्रोल करना है वो सीखना है, एक्सीडेंट से कैसे बचना है वो सीखना है। फिर से मैं देखिए इस एरिया में हल्का कलर के साथ स्टार्ट किया। जब भी कहीं पर भी आप कलर करना है तो आप एकदम से डार्क कलर नहीं करेंगे। मैंने हल्का कलर किया, अभी मेरिडियन के साथ पेंस ग्रे लिया, उसी में थोड़ा कहीं कहीं पे छोड़ा। और आपको यहाँ पे एक दिख रहा है ना ये बेलून सा, यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपिंग कर दो तो क्या होगा कि वो कलर यहाँ से जैसे यहाँ से भाग जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन लगने लगा। देखो तो इसीलिए हर एक चीज़ को कैसे करना है वो समझना पड़ता है। बंटम्बर इसके ऊपर लाइट को हीट करने के लिए इधर वाला जो ब्लू है उसको थोड़ा सा और डार्क किया। ऊपर कंटिन्यू ऐसे लाइन बना के दिखाने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही महसूस हो रहा है कि बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से किनारा है। बोर्ड जो ऐसा है ना, तो यहाँ पे इसलिए लाइट छोड़ा, दोनों तरफ मैंने थोड़ा शेडिंग दे दिया। तो हम कलर्स के वैल्यूज़ के ज़रिए हमेशा डायमेंशन क्रिएट करते हैं ना।
ऐसे में क्या होता है कि आप मोटा सा वो लाइन डाल देते तो उससे क्या होगा, वो पर्सपेक्टिव ख़राब हो जाता, जो पतला होना चाहिए था पतला कहीं ना कहीं आप नहीं डालते। तो आप रिगर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिगर ब्रश दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से सिंपल रिगर ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पतला लाइंस हो। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में, जब इम्पोर्टेंट और इस समय स्टेज में हो आप, तो क्यों रिस्क लेना है। हम क्या करते हैं कि ब्रश कौन चेंज करेगा, है ना, इतने मुश्किल काम है कि ब्रश चेंज करना, तो हम ब्रश चेंज नहीं कर पाते। तो उसी ब्रश में, जो भी ब्रश हाथ में होते हैं, उसी ब्रश में हम काम करते हैं और हो जाता है वो ख़राब। इतने पतले रिगर ब्रश रखना है कि आप दूर दूर तक के भी वो रोप वगैरह रस्सा वगैरह बना सकते हैं आसानी से। थोड़ा पतला रखता हूँ तब वो दूरी ठीक ठाक मेंटेन रहेगा। अल्टामरीन वेरिडियन कोबाल्ट ब्लू, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वो दूर है। थैंक यू दीप्ति जी। तो पतले सतरे उस या शीशा से रोप वगैरह आप डाल सकते हैं, कहीं पे हाईलाइट निकालना हो तो स्क्रैच कर सकते हैं। शुरू में पेपर थोड़ा फट सकता है, तो क्या फर्क पड़ता है, आपका ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ टेक्निक्स सिखा पाया या शेयर कर पाया। अभी देखो इसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट निकालूंगा तो अच्छा लगेगा ना, वाइट क्या डल हो जाता है, कोई भी वाइट ऐसा वाइट नहीं आया कि पेपर वाइट जैसा वाइट करे, ठीक है। जसवंत जी थैंक यू सो मच। जब भी कभी आप विजिट करते मेरे पेज को, जरूर लाइक कमेंट्स कीजिए, और आपको क्या सीखना आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो कुछ ये था आज का, इस तरह से एक सिंपल काम। मैं कुछ देर आपके लिए आपके साथ हूँ, कुछ सवाल करना चाहिए कर सकते हैं अगर करना चाहते तो। बाकी मेरे रेगुलर क्लासेस है, हर रोज़ चलता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आपके मुताबिक, मतलब आप जिस स्टेज में हैं उसके ऊपर उसी के मद्देनज़र रखते हुए आपको क्लास बताया जाता है कि आपको कौन सा क्लास में आपको सीखने के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये था आज का छोटा सा मेरा डेमो, और बहुत सारे बातें मैंने शेयर किया है। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए इतने देर, और कोई सवाल है तो ज़रूर करें, तो मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की। नोनी गोपाल जी आप मेरे वीडियो देखते हैं, ओके थैंक यू।
मैं आता रहता हूँ लाइव, आप जैसे ही सब्सक्राइब करके रखे तो आपको दिखाई देता है। सर मेरा प्रश्न है कि क्या वाटर कलर पेंटिंग किसी भी पेपर पर बन सकता है क्या? किसी भी पेपर पे तो नहीं बोलूँगा, नहीं तो आप कोई भी पेपर लेके बोलेंगे तो ये इसका एक पर्टिकुलर पेपर तैयार किया गया है, हैंडमेड हो गया, कुछ ब्रांडेड, कुछ ऐसे लोकल हैंडमेड भी है इंडिया में, जैसे कि चित्रपोट है, मस्टरिया है, ऐसे कुछ हैंडमेड भी है, वो भी अच्छा पेपर है प्रैक्टिस के लिए। कुछ बफ करके कटिस बोल के आता है, वो कटिस पेपर भी आता है कोलकाता साइड से जो आपको ज़्यादातर मिलता है, तो ये भी अच्छा है। और उसके बाद कुछ ब्रांडेड जैसे कि आपके हर तरह से, जैसे कि कुछ फेब्रियनो हो गया, कैंसन हो गया, बाउंग हो गया, लाना हो गया, आर्चिस हो गया, है ना, सौंदर्स हो गया, ये सब पेपर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। प्रमित रंजन, मैं हैंडसम लग रहा हूँ, थैंक यू सो मच। ओके चलिए पेंटिंग के ऊपर बोलिए क्या पूछना है। ओके वैसे मैं बुरा दिखता क्या? निकलसन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओके आई नो अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आर्ट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो आई थिंक यू यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। अर्पित अर्पित जी, सर ये काम किया अभी, आप थोड़ा सा चेक कर दीजिए। कैसे? ये काम किया थोड़ा सा चेक कर दीजिए, मैं समझा नहीं है, तो शायद आप बनाया तो मैं कैसे देख सकता हूँ अभी? सर ये वेरी बिजी पर्सन टेकिंग क्लास, मैनी बैचेस स्टिल है, टाइम है, प्लान फॉर काइंड ऑफ फ्री डेमो क्लास, थैंक यू सो मच। ओके नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपने यही है कि जितना करेंगे काम, जितना पेंटिंग वगैरह करेंगे उतना ही अच्छा है, इसलिए हम सब लगे रहते हैं काम करने के लिए, किसी न किसी बहाने से कोशिश करते हैं। तो आज मैं बताऊं, जैसे कि मेरा पोर्ट्रेट क्लास था, तो पोर्ट्रेट क्लास में वो गणपति पूजा देखने चले गए तो मैं आपके साथ यहाँ पे आ गया, तो जो अवेलेबल है वो यहाँ पे है आप सबके साथ, और जो गणपति की पूजा देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं, तो इस तरह से तो मेरा जो मूड बना था काम करने का तो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो पोर्ट्रेट नहीं हुआ तो ये हो गया थोड़ा सा। ओके वर्क लक, थैंक यू सो मच। दिनेश जी, बोट का मोटर पानी ऊपर है क्या? बोट का मोटर पानी के ऊपर ही है, ऊपर ही होता है मोटर, मोटर ये जो है ये ऊपर है, उसके साथ एक सिस्टम नीचे जाता है जो पंख जुड़ता है, ऐसे ही होगा, उसके ज़्यादा और डिटेल्स मुझे नहीं मालूम इतना। तो थैंक यू सो मच इतने देर आप बने रहने के लिए, और आगे जाके आप जरूर जब कभी विजिट करते हैं आप लाइक कीजिए, ताकि कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता लगेगा कि आप इसे वॉच किया है, और आपको अगर बेनिफिट होता है तो मैं, मुझे और थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह से काम लेके आने के लिए, ये बताऊंगा। और जब भी कभी आप विज़िट करते कमेंट करें, और सब्सक्राइब अगर कर आप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा टाइम टू टाइम, और बाकी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स के जो आर्टिकेट का लिंक मिलेगा वहाँ पे, आप वहाँ से मेरा जो कूपन कोड आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट जो भी मैं बोलता हूँ तो वहाँ पे एक ही जगह में आपको अवेलेबल है, जो कि आर्टिकेट है, वहाँ पे आपको आप मिल सकते हैं, आपको आराम से वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन के साथ।